यहाँ क्या कर रही हो? किसका फोन था? किससे बात कर रहे थे? अच्छा, तो तुम छुप छुप कर मेरी बातें सुन रही थी? हाँ, ये डायना कौन है? और क्या कह रहे थे कि आपकी शादी नहीं हुई? देखो संजना, मैं किससे क्या बात करता हूँ, किससे क्या बात नहीं करता, इससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं, समझे तुम? लेकिन आपसे मेरा वास्ता है, आपने शादी की है मुझसे, अपने को साक्षी मांग कर साथ फेरे लिए हम, मेरी मांग में सिंदूर भरा है आपने, ये मंगलसूत्र आपके नाम का मंगलसूत्र पहना है मैंने। इस मंगलसूत्र को अपने गले के फांसी का फंदा बनाना चाहती हो? हाँ संजना, मैंने तुम्हें पहले भी बहुत बारी कहा है कि मेरी जिंदगी में ताका छाकी बंद कर दो, लेकिन तुम पास नहीं आती। हाँ, कब पास आओगी तुम? अगर वास्ता नहीं है तो आप मेरा गला घोट क्यों नहीं देते? क्यों जीते जी मुझे मौत की सजा दे रहे हैं? क्यों बिगाड़ा है मैंने आप? किस जन्म का बदला ले रहे हैं? अगर मुझे पत्नी होने का अधिकार नहीं दे सकते तो आपने मुझसे शादी क्यों की थी? अच्छा, तुम्हें पत्नी होने का हक चाहिए। मिलेगा, हक मिलेगा। आज तक मुझसे किसी ने भी इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं की। तुम्हें की है बहुत बड़ी गलती की। आज तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिलेगा। वो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आज तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा। चलो विशाल। सुधा, ये खाना लाया तुम्हारे लिए। तुमने तो पत्नी का धर्म तोड़ दिया, लेकिन मैं पति का धर्म तोड़ नहीं सकता। और सिर्फ ये मंगलसूत्र तोड़ने से या सिंदूर मिटाने से पति पत्नी का रिश्ता कभी खत्म नहीं होता, समझी? खाना लाया, भूख लगी तो खाओ, मैं निकला। रुक जा नामदेव चौहान। मैंने तुमसे पहले भी कहा था और आज भी कहती हूँ कि मैं तुम्हारे घर का खाना नहीं खाऊंगी। और एक अधर्मी धर्म की बात करता है, तुम क्या जानो धर्म क्या होता है? ये धर्म अधर्म का भूत तुम्हारे सर से दो चार दिन में उतर जाएगा। देखो ये खाना लाया, भूख लगी तो खाना खाओ, मुझे ज्यादा टाइम नहीं, मैं काम पे जाना। देखो नामदेव, मैं तुमसे अब भी कहती हूँ कि मुझे यहाँ से जाने दो, कि तुम्हारे पाप का घड़ा तो भर चुका है और जिस दिन तुम्हें सजा मिलेगी ना, तुम्हारा साया भी तुम्हारा साथ देगा। देखो सुधा, पति के घर से पत्नी की सिर्फ आरती निकलती है, पत्नी खुद नहीं। इस ख्वाहिश के अलावा जो भी हो मुझे बता दो, मैं सारी की सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगा। मेरी ख्वाहिश तो भगवान पूरी करे, और वो तुम्हें ऐसी सजा देंगे कि फिर कोई गुनाह के रास्ते पर पांव रखते हुए घबराएगा। तो अच्छा ही है ना, तकदीर से तुम्हें ये वक्त मिला है तो भगवान को याद करो। मैं निकलता हूँ, मुझे बहुत सारे काम है। देवयानी से मिलना है, फिर वो यशपाल परिवार के तबाही की कुंडली बनानी है, बहुत सारे काम। आ जाता हूँ, खाना खा लो। Have a nice day. Bye. हो गई तसल्ली, मिल गई शांति, मिल गया तुम्हारे सारे सवालों का जवाब। संजय, तुम ऐसी नौबत क्यों लेकर आती हो कि मुझे तुम्हें मारना पड़ता है, तुम्हारा खून बहाना पड़ता है? चोट तुम्हें लगती है, दर्द मुझे होता है, सच्ची। तुम क्यों मुझे मजबूर करती है कि मैं तुम पर चिल्लाऊं, तुम्हें गुस्सा करूं? संजय, मैं यहां तुम्हारे सवालों का जवाब देने नहीं आया, मैं यहां अपने सवाल का जवाब ढूंढने आया हूं जो कि मुझे मिल नहीं रहा। मैं जानता हूं कि मैंने तुमसे शादी की है, तुम मेरी बीवी हो,
तुम इस तरह मुझसे लड़ाई झगड़े क्यों करती हो? देखो बस कुछ ही दिनों की बात है और तुमने तो वैसे भी वादे किए हैं मुझसे जिंदगी भर साथ निभाने के, तो क्या कुछ दिन और मेरा साथ नहीं दोगे? हाँ? वैसे तुम्हें इस घर में कमी क्या है? तुझे ये बताओ, मैं लेकर आऊंगा इस दुनिया की तमाम चीजें, इस घर में लाके रखूंगा। जवाब दो, तुम्हें क्या चाहिए संजना? स्पीक अप। मुझे मेरा पति चाहिए। ओफ, पति पति पति, तुम जानती हो लंदन की औरतें एक हफ्ते में 3 पति बदलती हैं, मगर तुम हिंदुस्तानी औरत, एक पति मिला जिंदगी भर उसके साथ जिए मरे बस खत्म। संजना, तुम लोगों के लिए तुम्हारा पति तुम्हारा भगवान है, लेकिन मैं भगवान नहीं, मैं एक इंसान हूं और इंसान ही बना रहना चाहता हूं। प्लीज मुझे इंसान रहने दो। संजना, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूं, तुम मुझे मजबूर ना करो कि मुझे मेरी बीवी बदलनी पड़े। I'm serious. अब इसे पहुंच ले, किसी की नजर पड़ेगी तो वो सोचेगा कि मैं तुम पर जुल्म कर रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता। ठीक है, सर ये वही फाइल्स हैं जो आपने मंगाई थी। गुड। ऑफिस के किसी भी काम में आपको मेरी तरफ से शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा सर। जगजीत, बचपन से ही मेरी आदत रही कि मैं सबके साथ खुल नहीं पाता। जिंदगी के इतने कम वक्त में मैंने इतने उतार चढ़ाव देखे कि कभी कभी खुद पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है, और फिर एक बार टूटने के बाद दोबारा एतबार करना मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा। मैं समझता हूँ सर, जिस दौर से आप गुजर रहे हैं मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। पहले आपका एतबार मेरी वजह से टूटा था, और अब उस टूटे हुए विश्वास के धागे को मैं ही जोड़ूंगा। मेरी बात का बुरा मत मानना जगजीत, जो मेरे दिल में होता है वही जुबान पर, और अभी तो मैं खुद पर यकीन करने के दौर से गुजर रहा हूं। अगर तुम्हारे दिल में कोई भी बात हो तो सीधा मेरे पास आना, ताकि ना तुम्हें कोई गलतफहमी हो और ना मुझे। इत्मीनान रखें साहब, आपको बहुत जल्द इस बात का एहसास हो जाएगा कि मुझे भी अपनी गलतियों का एहसास है, और यकीन मानिए अब मुझसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी जिससे आपके भरोसे को ठेस पहुंचे। मुझे तुमसे यही उम्मीद है, तो मैं चलूं।
अभी मेरी कह लेना। हेलो हेलो विशाल बेटे। पापा आप? अरे बेटा हम कितने दिनों से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहे हैं। मैं तुम्हारे घर भी गया था लेकिन वहाँ ताला लगा हुआ है। हाँ वो एक्चुअली पापा मैं और संजना पापा मैं और संजना इस वक्त शिमला में हैं। शिमला में? हाँ पापा यहाँ एक बिजनेस डील के लिए मुझे आना था, सोचा संजना को भी साथ ले आऊं उसे अच्छा लगेगा, बस यही सोचकर उसे यहाँ ले आया। वो सब तो ठीक है बेटा लेकिन अचानक बिना कुछ बताए बिजनेस डील भी अचानक ही फाइनल हो गई, इसलिए किसी को इन्फॉर्म करने का वक्त ही नहीं मिला। विशाल बेटे तुम्हारे घर का फोन भी काम नहीं कर रहा, सुबह से लेकर शाम तक हम ट्राई करते रहते हैं ताकि तुमसे या संजना से कोई बात हो सके। हाँ पापा एक्चुअली नौकर को मैंने भेजा था फोन का बिल जमा करने के लिए, लेकिन आजकल के नौकर देखिए 10,000 रुपए लेकर भाग गया, बस तब से वक्त नहीं मिला फोन का बिल जमा करने का। सॉरी पापा आपको इन्फॉर्म करना भूल गया, बेवजह आपको। नहीं नहीं बेटे कोई बात नहीं। पापा मम्मी कैसी हैं? पापा मेरी बात कराइए। हाँ वो यही है, मैं अभी बुलाता हूँ। रोहिणी रोहिणी विशाल का फोन है। हेलो विशाल कैसे हो बेटे? मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस हम तो। मम्मी मुझे लगता है कि आप संजना को बहुत मिस कर रहे हैं, उससे बात करना चाहते हैं। हाँ बेटा बहुत याद आ रही है। लेकिन मम्मी उससे बात करने के लिए आपको कम से कम 3 दिनों का इंतजार करना होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ से तकरीबन 3 दिनों के बाद निकले। बेटा इतना इंतजार तो नहीं होगा मुझसे, बस उसकी आवाज ही सुना दो, बात कराओ ना संजना से। हाँ मम्मी एक्चुअली संजना इस वक्त होटल में है, मैं होटल पहुंचते आपकी बात करूंगा। बाय मम्मी, अपना ध्यान रखना और पापा का भी। तो कह रहा है कि वो लोग शिमला में है और रितु तो कह रहे थे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, किस पे यकीन करूं किस पे नहीं करूं। डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट जगदीप, मुझे सच्चाई नहीं जवाब चाहिए कि तुम कौन से प्रोजेक्ट की फाइल अजय को देकर आए। मैडम मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैंने उन्हें उन प्रोजेक्ट्स की फाइल दी है जो कंपनी की तरफ से स्टार्ट होने वाले हैं और जिसे आपने और रवि सर ने अप्रूव किया है। मैंने उन तक कोई ऐसी वैसी फाइल नहीं पहुंचाई है जो उन तक नहीं जाननी चाहिए थी। तुम अजय के साथ आजकल बहुत घुल मिल रहे, भरोसे की बड़ी बड़ी बातें कर रहे, ये अजय से कौन सा भरोसा जीतने में लगे हो तुम? मैडम भरोसे की बात करना और भरोसा करना इन दोनों चीजों में फर्क होता है, ये आप ही से तो सीखा है मैंने। और वैसे भी मैं अजय सर के साथ उतना ही भरोसा बना के चल रहा हूँ जितना आपकी फेवर में हो। अब बताइए मैडम इसमें मेरा पर्सनल इंटरेस्ट कैसे हो सकता है, कैसे? स्टॉप ऑल दैट, तुम अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए क्या क्या कर सकते हो वो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं जिसे सर पर चढ़ा सकती हूँ उसे जमीन पर लाने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। देवयानी से धोखा करने का मतलब क्या होता है वो तुम अच्छी तरह जानते हो। अब आपसे धोखा देने का रिश्ता नहीं जोड़ा है मैंने। मैडम इस कंपनी में इस ऑफिस में मैं जो कुछ भी करता हूँ वो सिर्फ आपके लिए करता हूँ। वो मैं पता कर लूंगी कि तुम किसके लिए क्या कर रहे हो, लेकिन एक बात अच्छी तरह से याद रखना जरूरी, देवयानी किसी के साए का भी पीछा नहीं छोड़ती। तुम मेरी नजर बचाकर इस ऑफिस में कुछ नहीं कर पाओगे। अब तुम जा सकते हो।
ओके मैडम। आज कल ये बहुत पंख फड़फड़ा रहा है, मुझे इस पर नजर रखनी होगी। ये छोटे लोग बिल्कुल भरोसे के काबिल नहीं होते। इन बड़े लोगों का दिल बहुत छोटा होता है। जो औरत अपने पति की नहीं हुई वो मेरा साथ क्या देगी? मुझे संभल कर चलना होगा। मैं कमिंग सर। और रोजी बोलो। सर मिस्टर देव और दिवान के कई फोन आ चुके, वो आपसे मिलना चाहते। रोजी मैंने तुम्हें समझाया था, ऐसे लोगों से कैसे पेश आते हैं। सर मैं उन्हें कह चुकी हूँ, लेकिन वो बार बार आपसे मिलने का टाइम मांग रहे। ठीक है, अगर उनका दोबारा फोन आता है तो उनसे कह देना कि मैं एक महीने के लिए आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूँ। ओके ओके सर। ऑफिस से आए नहीं, लगता है किसी मीटिंग में फंस गए। देवयानी, देवयानी बेटा, देवयानी मामा, देवयानी, देवयानी, देवयानी मैं यहाँ हूँ बेटा। मामा आप हैं? देवयानी मैं कमरे में कैद हूँ बेटी, मेरे पापा ने मुझे कैद कर लिया है। कमरे का दरवाजा खोल दे।